अरे शरद जी आप, मैं अभी स्वामी जी को सूचित करता हूँ। नहीं 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 नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का। अगर स्वामी जी नाराज हो गए तो मंत्री से संतरी बनने में टाइम नहीं लगेगा जी। नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो खाली उनका दर्शन करने का है। आइए। नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उत्तेजना समस्याओं की जननी होती है। ये सही है कि इन विस्फोटों ने हमारी आत्मा को क्षत विक्षत कर दिया है। हमारे लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं, हमारे समुदाय की अपार क्षति हुई है। परंतु आवेश में आकर कोई गलत कदम उठाना उचित नहीं होगा। जो लोग इन विस्फोटों के लिए उत्तरदायी हैं, हम उन्हें पहचानते हैं। हमारे शत्रु का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है। उचित समय पर उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। तब तक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति। लगाने दीजिए इल्जाम, लेने दीजिए हमारा नाम, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग खामोशी से अपना अपना काम कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं आपके साथ हर कदम पर। आप लोग इत्मीनान से अपने अपने इलाकों में जाइए और लोगों को समझाइए, खासकर नौजवानों को, कि अपने आप पर काबू रखें। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सवाल पे सवाल और सवाल भी ऐसे कि बगले झांकने लग गए वो। हाँ? छुट्टी हो गई उनकी। कांपने लग गए बेचारे डीआईजी साहब वहां पर। अच्छा? लेकिन अब थोड़ी देर में मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं कांपने लग जाऊंगा। मैं तो क्या, पूरा घर कांपने वाला है। भैया आप इतना डरते हैं तो ऐसा करते ही क्यों हैं? पता है पापा को जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर ब्लड प्रेशर भी तो है। पापा आ गए। अब क्या करें? तू ब्लड प्रेशर की एक नहीं दो गोलियां तैयार रख, जा। हाँ। सर आज आप जल्दी आ गए। चला। कितनी बार कहा कि मेरी गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, और खासकर ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं। इडियट, ये फाइल लेकर अंदर आओ। ठीक है। आज फैसला होकर रहेगा। कहाँ है वो, समझता क्या अपने आपको? अरे पापा, क्या बात है पापा, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस तो ठीक ठाक थी ना? एक बात बताओ, पहले तुम पैदा हुई थी या मैं पैदा हुआ था? सबसे पहले तो दादी माँ पैदा हुई थी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सब जानता हूँ मैं। कहाँ है वो? जी वो यही। कमाल है। हाँ, तुम क्यों बताओगी, है ना? पापा, सब समझता हूँ मैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो तुम। पापा, कोई जरूरत नहीं है। माँ कहाँ है? माँ से बात करता हूँ। माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या बात है उदय? माँ तुम्हारा ये लाडला। चुप। माँ तुम्हारा ये लाडला सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। ये घर है पंचायत नहीं, बाहर के मामले बाहर ही छोड़ के आया करो। लेकिन कहाँ जा रहे हो? बाहर का मामला बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। दो चार आर्टिकल्स क्या लिख लिए, अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझने लगा? तुम दोनों बाहर उलझते रहते हो और यहाँ आकर मेरा सर खाते हो। अरे बनवाली, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? खाना कब बनेगा, जा जल्दी। मुझसे पूछता है कि रिपोर्ट कब मिलेगी, मुझसे, जैसे मैं उसका बाप नहीं उसके बाप का नौकर हूँ। माँ, उस्मान कपड़े सूख गए होंगे, जब तक कहो नहीं तुम लोग हिलते ही नहीं। कोई नहीं हिलेगा।
गुड। ये हुई ना बात? इतनी देर से बोले जा रहा हूं लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। रिलैक्स। उदय, ये कोई नई बात है, ये तो रोज का नियम हो गया है। प्रेस और पुलिस की बनती नहीं ये सुना था, अब देख रही हूँ। जब से उसने कलम पकड़ी है तुम दोनों सास बहू की तरह झगड़ते रहते हो। शौक नहीं है मुझे झगड़ने का माँ, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। है, रास्ता है। कौन सा? या तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो या वो अपनी अखबार गिरी। लेकिन दादी माँ, आप तो जानती हैं कि भैया कितने जिद्दी आदमी हैं। क्या इसका मतलब मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? उसे कोई कुछ नहीं कहा था ना सरिता, पापा को आते ही दवाई दे देना और दादी माँ आप भी। पापा हाथ आगे कीजिए। नहीं करूंगा। अरे डॉक्टर मुझे डांटेगा पापा, और मालूम है 5:30 हो चुके हैं। 5:30 हो गए? हाँ। हाँ। रुको, मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे तुम? पूछे से माँ क्या किया इसने? दादी माँ क्या किया मैंने? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहा माँ? माँ ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती। दादी माँ, पापा घर के बाहर वाली ड्यूटी की बात कर रहे हैं और मैं घर के अंदर वाली ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। वाली ड्यूटी? अंदर वाली ड्यूटी कौन सी होती है दादी माँ? मेरा मतलब माँ। दादी माँ आप बताइए, एक बाप का फर्ज क्या होता है? अपने बच्चों को शानदार परवरिश देना, अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना। पापा ने ये सब किया है तो फिर ऐसे बाप के बेटे का क्या फर्ज बनता है? तू ही बता। यही कि अपने बाप का नाम रोशन करे, उसके कद को आसमान तक बुलंद करे, कुछ ऐसा काम करे कि जिस सीने से लगकर वो बड़ा हुआ है वो सीना हमेशा तना रहे। लोग गर्व से कहें, देखो DIG उदय सिंह का बेटा जा रहा है। मेरी कोशिश तो यही है दादी माँ। पापा, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। पापा, वो फाइल के बारे में क्या होगा? क्या वो फाइल पापा? माँ अब ये बाहर की बात अंदर क्यों लेकर आया? पहले रुलाता और बाद में बोलता। नहीं बस 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 बस। हाँ अब मुड़िया। ऐसी पोज मार रही है जैसे मिस यूनिवर्स हो। अबे आरती, सीधी खड़ी रहे, लेफ्ट राइट करती रहेगी ना तो हो गया फोकस। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके हैं, ओके। वैसे पांडू तुझे क्या लगता है, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? मॉडलिंग? हाँ कर सकती है, तू चाहे तो ब्रह्मांड सुंदरी बन सकती है। क्या बात कर रहा है? लेकिन पहले हम यहाँ जिस काम के लिए आए हाँ। उसके बारे में सोचेंगे। ओके चलो। अरे अरे बाप रे, लगता है हेवी है, जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगा के जोर लगा के ढक्कन क्यों हटा दिया मुए? कुछ खो गया है क्या? हाँ, अपनी कामयाबी, भारत का भविष्य। भारत का भविष्य इस गटर में? गटर में नहीं, ढक्कन में। ढक्कन? ढक्कन में? वेरी इंटरेस्टिंग, जरा खोल कर समझाना। वो क्या बहन जी? क्या भाई साहब, 2-in-1। हम दोनों पत्रकार हैं, हम सच्चे देश प्रेमी, देश प्रेमी की तलाश में हैं। देश प्रेमी? क्या हुआ? क्या चुटकुला मारता है? अरे चुटकुला नहीं, सच में। आइए आइए आइए। गिरेगा मटर गंदा हो जाएगा। हाँ तो 2-in-1 जी, हम ये कह रहे थे कि जो भी उस ढक्कन को उठा के वापस रखेगा वो किसी की आँख नाक सर वगैरह फूटने से बचाएगा, और जो ऐसा करेगा वो देश की सेवा करेगा, और वो ही देश प्रेमी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मैं उसके बारे में छापूंगी और मैं फोटो खींचूंगा। मेरी भी खींचना फोटो। मैं दावे से कहता हूँ पूरे शहर में ऐसी एक भी सड़क नहीं मिलेगी जो खुद ही ना हो। सीनियर सिटीजन, इन्होंने तो हमें आजादी दिलवाई, अब भी यही कुछ करेंगे। हद है, लापरवाही की हद है। मैं कहता हूँ अंग्रेजों का ही जमाना अच्छा था, क्या फायदा इस आजादी का। बिल्कुल यही देखिए, इसमें गिरकर किसी की भी जान जा सकती है। बराबर बोला, मरेगा सब लोग, मरेगा। कार वाला नहीं मरेगा, मरेगा हम जैसा गरीब मरेगा, शराबी मरेगा, तुम जैसा बुढ़ा लोग मरेगा। खाली पीली बोलने में टाइम काय को बर्बाद करने का? ढक्कन उठाओ, लगा दो। हम काय के लिए उठाएगा? तो मैं लगाता है। पांडू सच्चा देश प्रेमी
एक पागल? पागल तो पागल, प्रेमी है ना बस। हे, लेकिन तू काहे के लिए उठाता है? तो फिर कौन उठाएगा? अरे म्यूनिसिपैलिटी काहे के लिए है? हम टैक्स जो भरते हैं ना। टैक्स? चल पकड़, हम म्यूनिसिपैलिटी में जाके कंप्लेन करेंगे, धरना देंगे, इससे भी नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे। चलिए चलिए, लगता है तुम लोगों को चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी, ये बुड्ढे लोग हड़ताल करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, घर जाकर सुनो बेटा सुनो बहू कहेंगे और सो जाएंगे। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, रिएक्शन ज्यादा एक्शन जीरो। हाँ। तेरा एक्शन तो जीरो नहीं होगा ना हीरो। इट्स टू मच। हाय, क्या चिकनी चिकनी छोकरी है, मक्खन की तरह। अबे चुप है ढक्कन, मस्के की तरह, ये तो हमारे हीरो है हीरो। हाँ, और ये ढक्कन जरूर उठा के रखेंगे वापस। पांडू रेडी? क्या चल रहे नौजवान? क्या चल रहे नौजवान? उठा रहे उठा रहे। भविष्य को कहाँ लिए जा रहे हो? चोर बाजार, बेचने का वास्ते। एक सड़े हुए खटिया से गटर के ढक्कन के लिए 10,000 रुपए? लूट मची है लूट, जिसे देखो वो जनता की जेब काटने पर तुला हुआ है। यू आर राइट सर। सर हमें कुछ करना चाहिए सर, समथिंग क्रिएटिव, जैसे कि मूवमेंट सर, आंदोलन, धरना वगैरह। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? याद नहीं सर। हाँ कैसे याद होगा, सैलरी जो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि मेरे अखबार को चलाने के लिए मुझे सनसनी खेज खबरें चाहिए। खबरें तो दी थी सर। अरे कमाल की खबरें दी थी, मियाँ बीवी के बीच में अनबन, जीजाजी ने साली का मजाक किया। करेक्ट। कुत्ते ने बिल्ली को मार डाला। नहीं सर, बिल्ली ने कुत्ते को मारा था। एक बात बता, तुम दोनों गटर में क्या ढूंढ रहे थे? वो गटर में कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तुम दोनों का? सर गटर में मुझे बख्शो भैया, मुझे बख्शो, नहीं तो ये शांति स्वरूप और गुड मॉर्निंग इंडिया दोनों गटर में नजर आएंगे। गुड बाय। रो रहे हैं? फूट फूट कर रो रहे हैं? यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, किसी को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक मौका और दूंगा। सर क्या करना होगा? सर क्या करना होगा सर? अरे वो डॉन टू डस्क न्यूज़पेपर जानते हो? वो हमसे ज्यादा बिकता है, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ अर्जुन काम करता है। अर्जुन जैसी रिपोर्ट लाकर जब मुझे तुम दोगे तब तुम दोनों को मैं नौकरी पर रखूंगा। अरे चुटकी बजा के लाऊंगा सर। अर्जुन जैसी क्या सर, उसी की लेंगे ना? लेंगे, लेंगे सर, मगर हमारी एक शर्त है। शर्त? शर्त है वो ये है कि जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको पहचानते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। मिल गया। क्या? अर्जुन के रिपोर्टिंग का राज, किताबों से चुराता है और सब पर धौंस जमाता है। अच्छा, तो जो किताब ये खरीदेगा हम खरीदेंगे। जो वो लिखेगा वही हम लिखेंगे। कम ऑन। केम छो अर्जुन भाई, मजा आ? वो लास्ट टाइम आपने जो किताब खरीदा था है, कैसी थी? अच्छी थी। पढ़ी थी? पढ़ी थी, तभी तो आपने ढांसू ढांसू आर्टिकल लिखे थे आपके पेपर में। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था? ये किताब तो बिक चुकी है क्या? ठीक है। थैंक
साहब ये किताब भी बिक चुके ला है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। कार्ड पांडू कैश। पढ़ने का काफी शौक है आपको? जी हाँ, बचपन से। बहुत अच्छा है, आजकल तो लोग टीवी वगैरह के जमाने में पढ़ना लिखना ही भूल गए हैं। पागलों की डॉक्टर हैं आप? जी हाँ। जी, जी नहीं, मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर आपके घर में किसी का दिमाग खराब है? जी नहीं। आपका कोई दोस्त वगैरह वगैरह? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर आपने तो सारी किताबें पागलों के बारे में खरीदी हैं। Anyway, आप ये पढ़ने का शौक जारी रखिएगा। चला चला। पाडू। आरती। केश। जब देखो गड़बड़। आरती, देख रही हो? ये अर्जुन का खास ड्राइवर है। अच्छा। बजरंगी जवान। ए ले। अगर हम इसे पटा ले, तो समझ लो अर्जुन भी पट गया। अच्छा। लेकिन पटेगा वो? पैसे के लिए मंदिर भी घोटाला करता है, ये तो मामूली ड्राइवर है। आओ। चलो। पलिया हिले छपरा हिले ला और लज के जब कमरिया सारा पटना हिले ला। नमस्ते बजरंगी साहब। आपने हमसे कुछ कहा? यस सर। सर हम? हाँ। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जरूरत है आप जैसे चुस्त दुरुस्त वफादार ईमानदार ड्राइवर की। हैं। का दोगी? क्या मिलता है? 2000। ऊपर की कमाई तो होगी? ऊपर की कमाई, ये कोई नेता मंत्री का घर थोड़ी है। अब छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ। 5000। क्या बोला? 5000। 5000? जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम अभी आता हूँ चाबी देकर। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको यही रह के हमारा काम करना है। एक नौकरी, दो ही सैलरी। हाँ, और ये रहा एडवांस। लेकिन हमें करना क्या होगा? इसे अपने जेब में छुपा कर रखना होगा। और जब अर्जुन किसी खास जगह पर जाए तो उस खास जगह का नाम जोर से बताना होगा। मतलब हमें सुनाना होगा। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा रेम्यूनरेशन। ठीक है, हम इसके जरिए जगह का नाम भेजते रहेंगे। हाँ। तुम इसके जरिए दाम भेजती रहना। डन। चलो। कहाँ साहब? LIC बिल्डिंग। LIC बिल्डिंग? वहाँ कोई जरूरी काम होगा? नहीं कोई जरूरी काम नहीं, बस किसी से मिलना है मुझे। अच्छा अच्छा, LIC जाना नहीं, वहाँ कोई जरूरी काम नहीं। चौहान चलो। LIC ऑफिस जा रहे? हाँ, बीमा करवाने जा रहा होगा। अपना बीमा तो है ना आरती? पांडू हो। इस बार तो जरूर किसी जरूरी जगह पर जा रहे होंगे, है ना साहब? हाँ, दैनिक सागर के एडिटर के पास मेरे कुछ जरूरी पेपर्स हैं, वो कलेक्ट करने हैं। चलो। हाँ, इसका मतलब दैनिक सागर के एडिटर से मिलेंगे, आपका नाम बताएंगे और पेपर्स पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? पेपर्स। चौहान तो क्या हुआ, गंदा गाना गा रहे क्या? सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हर चीज दोहरा रहे हो, गा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। 40 चाहिए क्या? 80? अब ये 40 80 क्या है? स्पीड स्पीड। तुम 100 पर चलाओ। हाँ, चलो 100 पे। अरे बाप रे, 100 की स्पीड से जा रहा है, हमें तो 200 की स्पीड से जाना पड़ेगा। ये गाड़ी 40 पे तो चलती नहीं है, 200 पे कैसे चलेगी? तो फिर धक्का लगाओ। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। अरे अर्जुन, यहाँ कैसे? मैंने आपको फोन पर बताया था ना वो पेपर कटिंग्स। पेपर कटिंग्स? वो लड़की जो तुमने यहाँ भेजी थी वो ले गई। लड़की? हाँ। कुछ है ये? ये कागज चाहिए थे उसे? ये तो किसी काम के नहीं है पांडू। अच्छा, तो लगा दिया गच्छा। अबे ओ घुचू, ये सब कागज कुछ काम के नहीं है। इसमें कोई काम का पेपर नहीं है, क्या बात करते हो? एक मिनट, सवार है सवार, बात में सवार है सवार। सुनो, आँख मारे हो लड़की, आँख मारे हो लड़की। पेपर्स मिल गए? कोई लड़की आकर यहाँ से मेरे पेपर्स ले गई। काम के नहीं थे? हाँ, काम के नहीं थे।
अब कौन सी जरूरी जगह जाना है साहब? होटल इंडियाना पहुंचना बहुत जरूरी है। होटल इंडियाना पहुंचना बहुत जरूरी है। आज रात विदेशी जासूस डांसर लड़की के जरिए मिलिट्री की सीक्रेट फाइल्स इधर से उधर करने वाले हैं। आज रात विदेशी जासूस डांसर लड़की के जरिए मिलिट्री की फाइल इधर से उधर करने वाले। जल्दी चलो, धमाकेदार कहानी मिलेगी। जल्दी चलो, धमाकेदार कहानी मिलेगी। मिलिट्री की फाइल। हाँ। डांसर। आ, बेलिसिमो।
जल्दी खोलना पांडू। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या है इसमें? क्या है? मैं पूछता हूँ क्या है इसमें? आपको ही फोन करने वाला था। हाँ सर, अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचते तो मिलिट्री की बहुत ही सीक्रेट फाइल इधर से उधर हो गई होती। हाँ। खोलो इसे। नंबर का ताला है ना, खुलता नहीं। Exactly. 420. किसको बोला? मैं बोलता हूँ 420 नंबर ट्राई करो। 420? हाँ, मुझे लगा कि आपको पता चला मैं 420 हूँ। ये क्या आरती? ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर नहीं, व्हाइट शुगर है। व्हाइट शुगर, व्हाइट शुगर। ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये हमारा बैग नहीं है, हमारा। देखिए, हम अब भी कह रहे हैं हम जर्नलिस्ट हैं। हाँ। आपको क्या हमारी शक्लें स्मगलर्स जैसी लगती हैं? हाँ? बोला इसकी लगती है। रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। तो क्या पलट गई तुम? तेरी वजह सब कुछ हुआ है। मेरी वजह से हुआ? ड्राइवर को पटाने का आइडिया किसका था? मेरा। क्या मेरा? नहीं तो क्या मेरा? मेरा? चुप चुप, तेरा मेरा। आइए आइए, टाइम पर आ गए सर। सर, इन्हें बता दीजिए हम आपके अखबार के लाडले दुलारे होशियार होनहार पत्रकार हैं। बता दीजिए ये दोनों आपके अखबार में काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं, बताइए ना सर। बताइए ना सर। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको पहचानते हैं। लगता है इस बार इन दोनों ने जबरदस्त प्लान बनाया है। सर आप बोलिए ना जल्दी। मेरे अखबार में ये दोनों काम? माफ करना इंस्पेक्टर, मैं अपने अखबार में चोर उचक्कों को काम नहीं देता। सर आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपकी याददाश्त खो गई है। भैया, मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब तुम दोनों अपना वादा निभाना। अच्छी कहानी देखकर गुड बाय। कैसे बोलेगा सर? अब क्या सर सरा रही हो? और पैदा करो सनसनी। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू? अर्जुन भैया, अर्जुन जी, हमें यादें छुड़वा दो ना प्लीज। अच्छा तो तुम लोग अपनी असली जगह पहुंच गए। गुड। अर्जुन, तुम इन्हें जानते हो? जानते नहीं सर, पहचानते हैं। अर्जुन जी, देखिए ना मत करिएगा। हाँ, मुझे प्लीज पहचान लीजिए। अर्जुन, मुझे भी पहचान लो। हाँ, हमें पहचान लीजिए ना सर। पहचान लो ना प्लीज। पहचान लूं? सागर के एडिटर ने जो फाइल दी थी वो कहाँ है? वो तो हमने वो टेबल पे रखी है। वो टेबल पे, वो देखो, पहचान लो ना प्लीज। यही वो फाइल है ना अर्जुन? हाँ। उन दोनों को छोड़ दो। मगर नमक के इन पैकेटों का क्या करूं? नमक, यानी कि उसने हमें जानबूझ के फंसाया है। हाँ, और इसका मतलब वो फाइल मामूली नहीं है। उसमें जरूर कोई कहानी छुपी हुई है। तो ये कि हमें वो फाइल फिर से हासिल करनी है। आरती, मैं तो चला। कहाँ? मुझे अपनी नानी याद आ रही है, तू अकेली जा। पांडू, चलो। जेल में नहीं जाना है मुझे। तुम्हारा शक बेबुनियाद है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मुमकिन है ब्लास्ट में शरद पाटिल का भी हाथ हो, मगर सिर्फ शक की बिना पर ना तो उसके खिलाफ लिखा जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर नजर तो रखी जा सकती है। नजर रखी जा रही है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। Yes.
थैंक यू साहब। तुम ड्राइवर की यूनिफॉर्म में? आपने मुझे माफ कर दिया ना, वो दोनों आए थे ना अभी। कौन? वो लड़का लड़की। लड़का लड़की? वाह वाह, ब्लास्ट में शरद पाटिल समेत कई असरदार लोगों का हाथ। अरे ऐसी खबर चाहिए थी मुझे। छापूंगा इसे जरूर छापूंगा। और गुड मॉर्निंग इंडिया जो है वो बेस्ट इन इंडिया हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, और बस छपने की देर है, उसके बाद सर ऐसा धमाका होगा। अनु, ऐसा धमाका होगा। इसे छापने जा रहे थे तुम लोग? अगर ये रिपोर्ट छप जाती तो जानते हो क्या होता? ना तुम लोग बचते, ना तुम्हारा ये प्रेस। क्या जानती हो जर्नलिज्म के बारे में? हाँ, कंधे पे कैमरा लटकाकर, हाथ में कलम पकड़कर खुद को पत्रकार समझती हो? छपे हुए शब्दों की अहमियत मालूम है तुम्हें? 1,7,00,00,000 लोगों पर असर होता है उसका। एक गलत खबर छपने से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोगों ने जर्नलिज्म को बदनाम कर रखा है, मिशन को धंधा बना दिया। अरे सनसनी पैदा करने का अगर इतना ही शौक है तो और बहुत सारे धंधे हैं, जहां नाम भी मिलेगा और दाम भी। अगर मैं फिर से कुछ चुराऊं तो फिर मारोगे? हम्म, तो मारो। क्या? मैं कुछ चुराने वाली हूं अभी। तुम्हारा चश्मा नहीं, तुम्हारा दिल। क्या? शाम भुला, सारा जहान भुला, मैं बेकरार। मैं अपना नाम भुला।
तेरे प्यार में पूछते हैं दिए तो ये दिल जलता है। तेरे प्यार में बिन तेरे जलते हैं बरसातों में, बिन तेरे तेरी बातों में जगते हैं रातों में, लेके दिल हाथों में। हाय 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 हाय, मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, ये सारा जमान भूली, मैं बेकरार। मैं अपना नाम भूला, ये सुबह शाम भूला, मैं भी करा। तेरा भी हाल ऐसा, मेरा भी हाल ऐसा, सोनी महिवाल जैसा। हाय 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 हाय, मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, ये सारा जमान भूली, मैं भी करा। मैं अपना नाम भूला, ये सुबह शाम अर्जुन। तुम जानते हो प्यार में क्या होता है? क्या होता है? नजरें मिलती हैं, दिल मिलते हैं, और फिर? फिर? ओफो, फिर लड़का लड़की मिलते हैं, प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद गाना गाते हैं और क्या? जी नहीं, उसके बाद बात घर तक पहुंचती है, फिर शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। Really? हाँ, really. मगर तुम घबराओ नहीं, हाँ, क्योंकि पहले मैंने तुम्हारे घर वालों को बताया, फिर तुम्हें, ताकि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? अब कौन आएगा हमारे बीच? मेरा दोस्त, एक ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती पर कोई भी नाज कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आतंकवाद इस दौर का सबसे बड़ा नासूर है, लेकिन जो सोचते हैं कि दहशत फैलाकर हिंदुस्तान को तोड़ा जा सकता है, हमने उन्हें बता दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इकबाल खान जैसे बहादुर और जाबाज ऑफिसर्स हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के डिप्टी कमांडेंट इकबाल खान को उनकी बहादुरी के लिए प्रेसिडेंट विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया जाता है। कांग्रेट्स, यू हैव डन अ नाइस जॉब। देखा अम्मी, अभी तक नहीं आया ना, मिलने दो से। कहीं फंस गया होगा। देखा भाईजान, अम्मी हमेशा उनकी तारीफ करती रहती हैं। इसमें तरफदारी की क्या बात है, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। अरे भाई, मैं हूँ। मैं तू? हाँ, अब मौका मिला है तुझे। अरे 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 अम्मी, अम्मी अम्मी मुझे आप बचाओ। अरे अम्मी मुझे बचाओ। अरे भाई, मैंने किया क्या? आज तेरी खैर नहीं। अम्मी अम्मी देखो अभी क्या कर रहा है। टाइम मिला तुझे, अम्मी बचाओ ना। ये वक्त आने का। मैंने किया क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है ये? सर ये अर्जुन। अर्जुन, तो आप हैं अर्जुन? कम ऑन, शेक हैंड। आप मुझे कैसे जानते हैं सर? मैं? अरे आपको तो पूरी बटालियन जानती है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, और बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप दोनों बचपन में बहुत शरारती थे, आप ये करते थे, आप वो करते थे, आप दोनों, am I right?
गुड, आज हमें ऐसी ही दोस्ती की जरूरत है। कीप इट अप, गुड बॉयज। थैंक यू सर। सुना तूने क्या कहा उन्होंने? और तू आया वो भी लेट। इकबाल, तू बेटे जरा जल्दी आ जाता तो कितना खुश हो जाता ये। तो क्या हुआ मामा, मैं अब आ गया, अब खुश हो जा। देखा फिर खिंचाई कर रही है। खिंचाई? जब मैं यहाँ आया था सिर्फ एक चिड़िया थी बस, उसे शुरू करके एक मेडल लेता बेटा, खुश होती माँ और हंसती हुई बहन, सबकी तस्वीरें खींच रहा हूँ मैं। यकीन नहीं आता तो खोल के दिखाऊं? नहीं। एक बार तू क्या समझता है, मुझसे ज्यादा कोई और खुश हो सकता है? आज का दिन तेरे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत अहम है। तेरी दोस्ती मेरी ताकत है। अम्मी अपने मुंह से कोई कहता है कि मुझे शादी करनी है? दिल्ली दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। आप बस लड़की पसंद कीजिए, मैं उसे मना लूंगा। भाई नई उम्र की लोगों की नई पसंद, बेहतर होगा ये नेक काम तू ही कर। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसी लड़की पसंद करूंगा कि चला तस्वीरें दे, आज मामला निपटा ही देता हूँ। जिंदगी और मौत का सवाल है भाई, जरा संभल के। ठीक है ठीक है। वाह 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 वाह, इसकी आंखें हैं कि समुंदर? क्यों शबाना? अमी इसके होठ तो गुलाब की पंखुड़ी जैसे हैं, है ना? उम्र होगी लगभग 40-45, मगर लगती नहीं, है ना? लगती नहीं, है ना? तो फाइनल फाइनल, हाँ डन डन डन। अरे अरे दिमाग खराब हो गया क्या? उधर उधर उधर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? है तो चलो उधर खड़े जाओ, वहां चुपचाप। तो चलो दूसरी देखते हैं। बा नहीं नहीं नहीं, ढेर सारी है। हाँ। इकबाल क्यों नाम दाव खेले? मेरी जिंदगी दाव पर मत लगा मेरे भाई। इकबाल अर्जुन को अपना काम करने दे, तू जा खड़ा हो जा, जा खड़ा हो जा, चुपचाप चल बेटे। ऐसे हम फेंकते हैं। अब कहाँ रेहाना, कहाँ सुल्ताना, हमें कुछ नहीं मालूम। अब मैं इसमें से तस्वीर निकालता हूँ, जो यहाँ से बाहर आएगी वही इस घर के अंदर आएगी। बिल्कुल। आजा 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 आजा, दूर जा दूर जा दूर जा दूर जा दूर जा, खड़ा हो जा। आ गई। वाह क्या रंग है, क्या रूप है, क्या ढंग है। पहले शबाना। हाँ वाकई भाईजान, ये तो जन्नत की हूर दिखती है। मैं देखूंगी। वाकई ये तो चांद का टुकड़ा है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। मुझे तेरी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। अम्मी अम्मी, शुक्र है। कौन है? मैंने तुझे फोटो रखते हुए देख लिया था। बताता हूँ मगर बाद में। अम्मी अब अर्जुन ने लड़की पसंद कर ही ली है तो ठीक है। अब बेटे अर्जुन, जिस तरह तूने इकबाल के लिए लड़की पसंद की है ना, अब तेरी बीवी इकबाल पसंद करेगा, मंजूर? कोई शक? ओह तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब इकबाल खान की परमिशन लेने के लिए हमें उनके बैटालियन जाना पड़ेगा, मार्च करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरिता की सगाई के लिए वो यहीं आ रहा है। लेकिन तब तक तो मेरी बीवी बनकर मेरे घर में नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर तुम्हारे सपनों में तो आ सकती हूँ। नहीं, तुम्हारी याद मुझे सोने दे तब ना। अर्जुन। अरे दोस्ती का मतलब मालूम है यार? मैं तो चुप चुप चुप, एक दूंगा पड़ा है। आया बहन की एंगेजमेंट के लिए और ठहरे हुआ होटल में? अरे दिल तो छोड़, तुझे दिखाता हूँ घर कितना बड़ा है। कौन रहता है इस घर में, क्या लगती है ये सब? और मैं यार सुन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है अर्जुन, लेकिन जो करो इकबाल, लो विस्की पियो। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना डोज काफी है, कुछ कल के लिए भी छोड़ दो अर्जुन, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं पापा, जी चाहता है इसे ऐसी सजा दूं कि देनी है ना। ओके ओके इकबाल, आज से सारा काम तुम करोगे अकेले, अब से लेकर सरिता की मंगनी तक। ओके नहीं नहीं, अर्जुन की मंगनी तक। अर्जुन की मंगनी, अर्जुन की मंगनी, यानी तूने वो क्या है? इन लोगों ने पसंद कर ली है, वैसे बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, जर्नलिस्ट भी है। लेकिन मैंने कहा जब तक इकबाल पसंद नहीं करेगा मैं कैसे पसंद करूंगा। चलो ना
चलो। ये आरती है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी है? घबराओ मत। भैया प्लीज हाँ कह दीजिए ना, देख रहे हैं ना इन दोनों की हालत क्या हो रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये खूबसूरत है? नहीं, बला की खूबसूरत है, बला की। आशीर्वाद दो। अच्छा इसमें से अर्जुन को। बाय द वे, आतंकवादियों को पकड़ने के वास्ते कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का। जी मेरा मतलब है कि थर्ड डिग्री यूज नहीं करने का। क्या है कि ये मैटर बहुत ही झंझट वाला है, बहुत ही झंझट वाला। अगर कोई लफड़ा हो गया तो जवाब तो मेरे को देना पड़ेगा ना, शासन को देना पड़ेगा। जी मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आपको किसे जवाब देना है, लेकिन जवाब तो मुझे भी देना है ना, कानून को, अपने फर्ज को, इस देश को, इस देश की जनता को। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द मैं एक बहुत बड़ी साजिश और कुछ बड़े लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। करो करो करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली थोड़ा संभल के रहने का, बस चलता है। मैं साहब जी एक बात कहूं मैं आपसे, इन बड़े लोगों की बात मानने के बड़े ही फायदे हैं। आप देखिए ना, आप आईपीएस हैं और अभी तक डीआईजी हैं, मैं एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर था और इन लोगों की बात मान के तरक्की करते करते यहां तक पहुंच गया हूं कि आपसे सिर्फ थोड़ा सा नीचे हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि चौटाला मौका देख के चौका मारना जानता है। पापा चले। चौटाला, चौका मारने के चक्कर में तुम कभी भी क्लीन बोल्ड हो सकते हो, और अगर ऐसा हुआ तो छक्का बनते देर नहीं लगेगी। बी केयरफुल। सिर्फ आज की रात है तुम लोगों के पास, सब कुछ सच सच बता दो। तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी दवा। अरे यार, ये आर्मी वाले भी वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। सर, मिनिस्टर साहब का फोन। ठीक है, आओ। इकबाल भाई, हमारी जुबान कभी भी खुल सकती है इकबाल भाई। फिक्र मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है।
कोई देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता। वो रूप सहा न जाए, बिन देखे रहा न जाए, लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। तूने जाल बिछाए ऐसे, कोई जान बचाए कैसे, ये बता। कहीं दूर नहीं जा पाए और पास नहीं आ पाए, लड़े नैन तो कुंडे तेरा चैन गया। अखियों में तेरी कोई आन बसा, दिल में है नया हो मेहमान बसा। ओ, पलकें छुका के ना ले जाना, नी कुड़ी ये दिखा दे जोश, न रह खामोश, अरे बुत वर्गी। ओ, अपनों से कैसा शर्माना, ये बताना तेरा सजना 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 वही तो है जो खा। लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। हाय, तूने जाल बिछाए ऐसे, कोई जान बचाए कैसे, ये बता। हो, कहीं दूर नहीं जा पाए और पास नहीं आ पाए, लड़े नैन तो करे है मेरी दुआ, जीवन हो तेरा हो खुशियों से भरा। हे, हंसना सभी को तू हंसाना, तू बोल दे बस एक बार के तू खुश है मेरी बिटिया रानी। हो, सर को है ऐसे यूं झुका के मुस्कुरा के, चाहे कहना बहना रहना नहीं है अब और यहाँ। लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। कोई देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता। वो रूप सहा न जाए, बिन देख रहा न जाए, लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। हेलो, हाँ पाठक बोल रहा हूँ। ठीक है, एक काम करो, सब गाड़ियां बदल दो, जीपों की जगह कारों का इस्तेमाल करो, और सब कारों का रंग एक जैसा होना चाहिए, और उनका नंबर भी। हाँ, रूट भी चेंज करना, मारवे ब्रिज, बी केयरफुल पाठक। ओके, हाँ हाँ हाँ, मंगनी का फंक्शन चल रहा है। यस पाठक, थैंक यू। ओके, हाँ इकबाल, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है,
डीआईजी ने रूट के साथ साथ गाड़ियां भी बदल दी हैं। नहीं, तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो तीनों वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी को शक नहीं है मुझ पर। इकबाल, तुम बूझ में चढ़ गई। अरे जा जा, कपड़े बदल के आ जल्दी। तलाशी लो। वन मूव मूव हटो। स्टॉप इट, मूव। चलो चलो चलो। क्या हो रहा है? स्टॉप इट। क्या है चौटाला? योर अरेस्ट वारंट। क्या? माँ और सरिता का ख्याल रखना बेटा। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा बेटा जिसने हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, उसे हथकड़ी पहना कर ले गई यहाँ से मेरी नजरों के सामने। सच्चाई की यही कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे बच्चों को? यही इंसाफ है तुम्हारा? मगर कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। जब तक इस घर की खुशियां तुम वापस नहीं दे दोगे, तब तक मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मेरे बच्चों की हंसी तुम्हें वापस करनी पड़ेगी, तुम्हें करनी पड़ेगी दादी माँ, करनी पड़ेगी दादी माँ। लगता है भाई आ गए। Ha ha ha!
ना मेरी बेटी ना। अब क्यों आए हो यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, पूछताछ करनी है उससे। कहाँ है वो? भैया नहीं है। तुम उस दिन मुझ पर हंसी थी ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। लेकिन जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो। नहीं, नहीं, छोड़ो, 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 नहीं, 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 संभालो अपने आपको, संभालो। उसका दाखिल हुआ था मेरे घर में? कोई वारंट है तेरे पास? हाँ, मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं इस वर्दी की वजह से। मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मेरे पापा पहना करते थे इसे। अर्जुन, अब तुम्हारे कंधों पर टिका है ये परिवार। अगर ये कंधे कमजोर हुए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम्हारी आंखों में आंसू रहेंगे तो क्या दादी माँ और सरिता के आंसू सूख पाएंगे कभी? मैं जानता हूं, लेकिन बस पापा को जमानत मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ। बेटे, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? उदय, हाँ, हमें छोड़कर मत जाओ उदय। डीआईजी उदय सिंह अपनी जान दे देगा, लेकिन वर्दी पर आज नहीं आने देगा।
पापा। पापा, तकलीफें ही आदमी को मजबूत बनाती हैं। कभी ना हारने का सबक आप ही ने सिखाया था ना पापा। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो एक झूठ सच बन जाता ना पापा। हाँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है पापा। मैं एक बाल को लाऊंगा पापा, कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा उसे, और मैं यहां आकर सब सच बोल देगा, फिर सब ठीक हो जाएगा पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। मुझ पर भरोसा कीजिए। तुमने कह तो दिया, मगर जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मारा हो उसे किसी की जिंदगी की क्या परवाह होगी? फिर उस तक पहुंचना क्या मुमकिन है? कहां तलाश करोगे उसे? कैसे लाओगे? लाऊंगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हेलो, कलेक्टर्स ऑफिस। हेलो, मैं पीएमएफ से बोल रहा हूं। मैं दो दिन के अंदर जेसी हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देने वाला हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, सर आज हॉस्पिटल में अचानक इतनी सिक्योरिटी की वजह? कोई नेता या मंत्री एडमिट होने वाला जी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएमएफ ने इस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ये सिर्फ धमकी भी तो हो सकती है? हो सकता है ये सिर्फ धमकी हो, मगर हम किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। आखिर उसकी मांग क्या है? उस दिन तो उसने स्पष्ट नहीं किया, परंतु अब दो दिन के भीतर वो अपनी मांग से मुझे अवगत कराएगा। आप पत्रकारों से प्रार्थना है कि जनता में भ्रम उत्पन्न न होने। अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुमने कलेक्टर को फोन किया है ताकि पीएमएफ से तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट कर सके जिसके जरिए तुम इकबाल तक पहुंच सको। तो फिर ये स्वामी सत्यानंद बीच में क्या कर रहा है, और ये झूठ क्यों बोल रहा है कि तुमने इसे फोन किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्वामी का इस मामले से क्या लेना देना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता करना होगा। ओम शांति। स्वामी सत्यानंद बोल रहा हूं। आपने प्रेस वालों से झूठ क्यों कहा कि मैंने आपको फोन किया? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ही वो आदमी हूं जो जेसी हॉस्पिटल में बॉम्ब रखने जा रहा है। मैं तुम्हारे फोन की ही प्रतीक्षा में था। हम कहां मिल सकते हैं? आप बताइए। तुम सीमा पर स्थित? ठीक है। समस्या का समाधान हो गया? अर्जुन, अब भी सोच लो, अगर सत्यानंद ने खुद आने की बजाय पुलिस को भेज दिया तो? आरती, अगर पुलिस आ गई तो सत्यानंद सही है, लेकिन अगर पुलिस की जगह दूसरे लोग आ गए तब?
दोस्ती? कैसी दोस्ती है ये? हम एक दूसरे के लिए जान देते थे और आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है? क्या यही दोस्ती है? हाँ, लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई थी तूने, तबाही फैलाने वालों को तबाह करने का वादा किया था तूने, इस देश की बेटी से जन्म लिया तूने और आज तू इसी देश को तबाह कर देना चाहता है। ये देश मेरा नहीं, तुम लोगों का है। सिर्फ सवाल करना आसान है लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। मेरी जगह अगर तुम होते ना तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मेरी बहादुरी, मेरे फर्ज, मेरे ईमान, इनके बदले में क्या मिला पता है तुझे? मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें सब लहूलुहान कर दिए गए, बम रख दिया गया यहां यहां, और बम नाकाम करने में माहिर मैं अपने दिल पे रखे बम को नाकाम नहीं कर सका। खतरे के वक्त सबसे अहम चीज होती है बम की डीकोडिंग करना। हम आरडीएक्स की डीकोडिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। Thank you.
पार का सफर है प्यारा, कर लो ये वादा, लेके हाथों में हाथ मेरा, चलोगे मेरे संग यूं ही सदा। सहरा, मेरी शाल तो देना, लाओ 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 लाओ। बाबा हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। गांव से बाहर एक खाली जमीन है, कई महीनों से उसी को लेकर तनातनी है, मामला अदालत में है, लेकिन ये सत्यानंद जब भी आता है उल्टी सीधी बातें करके नौजवानों को उकसाता है। हमारी जमीन पर उनका कब्जा कभी नहीं, फैसला हो कर रहेगा, आज हम नहीं या वो नहीं। अहमद साहब, आज आप खामोश रहिए, आज हम आपकी नसीहत नहीं सुनने वाले, आज खून बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, खून तो जाओ बहा दो, खून कत्ल कर दो सबको, चुन चुन कर मारना, लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना किसको मारने जा रहे हो भाई, उन्हें जिन्हें तुम चाचा बुआ भाई कहते हो, ठीक है तो जाओ, झगड़ा खत्म करना है ना, झगड़ा खत्म करना है तो खत्म कर दो सदियों पुराने रिश्ते, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लाशें बिछा दो, वो तुम्हें मारेंगे, तुम उन्हें मारोगे, फिर क्या होगा है? खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? रफीक तुम बोलो, मुख्तार, इकबाल, नहीं, मसले हल होते हैं प्यार से, विश्वास से, अमन से, और ये सब यहां पैदा करो, यहां दिलों में। मैंने बहुत खून खराबा देखा है, बंटवारा देखा है, आज तक ताजा है वो जख्म, हम तो उस दर्द को सह सके, तुम लोग नहीं सह पाओगे, नहीं सह पाओगे मेरे बच्चों, खुदा के लिए जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। खड़े रहो ऐसे ही सर झुकाकर, बहाओ आंसू और देखो नजारा, पता है कौन थे ये? रहनुमा थे हमारे, इनका बचना बहुत जरूरी था, अरे कुर्बान हो जाते तुम सबके सब इनकी जिंदगी के लिए, हज पर जाना चाहते थे, आखिरी ख्वाहिश थी इनकी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। जो इंसान हमेशा मोहब्बत और अमन की बातें करता था उसे भी मार दिया, किस लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए,
दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मांगते हैं सब दे दो, लेकिन मुझे इनकी जिंदगी चाहिए वापस। मांगो, मांगो उनसे वापस, दे सकते हैं वो? नहीं। माफ कीजिए शाह साहब, आपका रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपके रास्ते पर चलकर मैं अपने और लोगों को खोना नहीं चाहता। खतरा! हर शहर में खबर कर दो, बच्चों और औरतों की हिफाजत करनी होगी, सबको बताओ खतरा है। भाई, उनकी मौत तो देखी मैंने, पर पूरे मुल्क में जो हुआ, जो हो रहा है, तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हें तो पता होगा। बताओ ऐसा क्यों है? क्यों? हमारी कौम का दुश्मन है सत्यानंद और रहनुमा शाह आलम। अब आर पार की लड़ाई होगी और आखिरी सांस तक मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बेहतर होगा तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? हाँ, मार डालेगा। अरे तू क्या मारेगा, मैं मार डालूंगा तुझे। दूसरों को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ कम करना चाहता है तू? अपने लोगों की मौत का बदला बेकसूर लोगों को मार कर लेना चाहता है तू? नफरत भरी हुई है, अरे नफरत भरी हुई है यहाँ पर, आग लगी हुई है यहाँ पर। तेरी वजह से मेरा बाप जेल में है, दादी माँ 24 घंटे रोती रहती है, सरीते रह रहकर चीख उठती है, तो क्या मैं भी बंदूक उठा लूं, मार डालूं सब लोगों को? कौम बचाने चला है, अरे इस तरह कौम नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों में भी सैनिक की हद होती है। मजहब, कौन सा मजहब सिखाता है एक दूसरे से नफरत करना, आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी कर डालना, दूसरे धर्म के लोगों को काट डालना? अरे जाके किसी मेहनत करने वाले आदमी से पूछ, किसी मजदूर से पूछ, उसे ना तो मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से, उसे सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों की लाशें जला रहे हैं वो लोग? जब तेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनके शिकंजे में फंस सकता है तो फिर क्या होगा हमारे देश का? हाँ, तू क्या समझता है तेरे साथ जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार सत्यानंद है? नहीं, शाह आलम भी है, वो दोनों एक हैं। तू बॉम्ब एक्सपर्ट था, उन्हें तेरी जरूरत थी, तुझे हासिल करने के लिए उन दोनों ने बेहद चालाकी से जाल बिछाया। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने झूठ बोला कि जेसी हॉस्पिटल में मैं बॉम्ब रखने वाला हूं, मुझे यहां सत्यानंद ने बुलाया। तुझे किसने भेजा, सत्यानंद ने या शालम ने? इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के सिर्फ नाम अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, इस देश की बर्बादी। वो मजहब की अफीम खिलाकर हिंदुस्तान को अपाहिज बना देना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंदूक के ताने खड़े हैं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी हमें, इस देश को सत्यानंद और शाह आलमों से बचाना होगा हमें, अपनी एकता, अपनी ताकत, अपने जोर का एहसास दिलाना होगा हमें। और तू मेरे साथ चलेगा। अर्जुन, हम लोग यहाँ तक तो आ गए,
लेकिन वो लोग भी बहुत ताकतवर हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। अब क्या होगा अर्जुन? अब खेल होगा, लेकिन मोहरे उनके होंगे और चाल हमारी। सम्मन, मेरे नाम इतनी जुर्रत, मेरे ही पैसे से चलने वाली सरकार और मुझे ही? शाह आलम को कटघरे में खड़ा करेंगे, जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती उससे सवाल पूछे जाएंगे। यह अखबार वाला कुछ ज्यादा ही जोश में है, लेकिन अब और तमाशा नहीं। रो मत दादी माँ, आप ही कहते थे ना कि सच्चाई की जीत होती है। हाँ। कल मैं अदालत में ये साबित कर दूंगा। उसके लिए न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादी माँ, आप लोग अंदर जाइए। नहीं, रहने दो। सन्यासियों से भय कैसा? मैं तो अपने भक्तों का भय दूर करता हूं। आश्चर्य हो रहा है ना? होना ही चाहिए। इतना शक्तिशाली पुरुष इस घर की सीढ़ियां चढ़कर स्वयं आया है। क्यों? क्योंकि तू फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ने से डरता है। मैंने सुना था तुम बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार हो। अब सहमत भी हो गया हूं, तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। काफी कुछ नहीं, सब कुछ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे जेल भेजने की जगह अपने पिता को जेल से बाहर लाने की सोचना चाहिए तुम्हें। मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं ये। मेरे एक संकेत पर वो मुक्त हो जाएंगे, परंतु उसके बदले में तुम्हें इकबाल को देना होगा। हाँ, और फिर तुम्हें प्राप्त होगा पिता की मुक्ति के साथ साथ वो सब जो तुम मांगोगे। ठीक है, मैं सौदा करूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी के साथ, तेरे खात्मे के साथ। पुत्र, एक कहावत है, आवश्यकता से अधिक चालाकी कभी कभी घातक सिद्ध होती है। ध्यान से सुनो, स्मरण तो होगा तुम्हें, तुमने मुझे फोन पर बताया था कि तुम जेसी अस्पताल में बम रखने जा रहे हो। तुम्हारा स्वर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पता है तुमने वो बात गंभीरता से नहीं कही थी, परंतु मैंने उसे गंभीरता से लिया। तुम्हारा कार्य पूरा कर दिया अस्पताल में बम रखवाकर। यदि तुम अपने मित्र को लेकर अस्पताल गए तो वहां मृत्यु तुम लोगों का स्वागत करेगी, और यदि तुम अपने मित्र को लेकर न्यायालय आए तो अस्पताल में होगा विस्फोट और सैकड़ों लोगों के साथ तुम्हारे मित्र प्रेम और देश प्रेम की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम पहुंचोगे सीधा अपने पिता के पास। आशय यह कि विजय हर हाल में मेरी होगी। निर्णय तुम्हें करना है, एक मित्र या कई मुसीबतें। मैं तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा कर, परंतु मेरे फोन की नहीं, अपने विनाश की। जा।
भागो बॉम्ब है, जल्दी भागो। बम कहाँ है? बेसमेंट में 12 बजे। उदय सिंह, अपने बचाव के लिए आपको कुछ कहना है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है योर ऑनर। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में मुझे जेरा करने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। प्रोसीड। इकबाल, बता असलियत क्या है? हाँ जज साहब, मैं आतंकवादी हूं, हत्यारा हूं मैं। सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने, खो दिया है सब कुछ। वहां अर्जुन जैसा दोस्त, ये देश, लोगों का यकीन, सब कुछ। आदमी जिसने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, आज मेरी वजह से उसका सर झुका हुआ है। इस सब का जिम्मेदार है ये शाह आलम। इसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इसी ने जहर भर दिया मेरी नसों में, अंधा बन गया मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सैकड़ों लोगों को गुमराह किया है इसने। नफरत की तलवार थमा दी उनके हाथों में। उन लोगों को भी बचाइए जज साहब, उन लोगों को भी बचाइए, तब ये मुल्क बचेगा, तभी मेरा हिंदुस्तान बचेगा जज साहब, तभी। इकबाल, संभाल खुद को। ए लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। जज साहब, अदालत को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक अदना सा मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो कोई और है, और वो है स्वामी सत्यानंद। मैं इसकी सारी करतूतें अदालत को बताने के लिए तैयार हूं। आप असत्य बोल रहे हैं। यह व्यक्ति हमारा धार्मिक शत्रु है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से ये असत्य बोले जा रहे हैं। कोई साक्ष्य है इनके पास? है कोई साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है स्वामी जी। चल। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की। स्वामी जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी खुद को बचाएंगे या तुझे? योनर, यही है वो शख्स जिसने स्वामी सत्यानंद के कहने पर जेसी हॉस्पिटल में बम रखा था। नहीं, बम इसने रखा था माननीय न्यायाधीश। आपको कैसे पता चला? वो तुमने मुझे फोन करके बताया था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? योनर,
इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहां बॉम्ब रखवाया था। बोल बोल। जी हाँ स्वामी जी के कहने पर। Your Honor, देखा आपने, सिर्फ एक धागा खींचने से सारे के सारे खींचे चले आए। असल में ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। वाह, बहुत सुंदर भाषण दिया वत्स। परंतु तुम क्या समझते हो, इस न्यायालय को प्रभावित कर लोगे तो संसार इधर का उधर हो जाएगा? नहीं, क्या दंड देगा ये न्यायालय? कुछ दिनों का कारावास। हर कारावास मेरे आश्रम की तरह है, वहां भी मेरे शिष्य हैं, वहां भी परमात्मा से संबंध स्थापित करने में मैं अपना समय व्यतीत करूंगा और मुक्त होकर बाहर आ जाऊंगा। तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। बाहर जन समुदाय का कोलाहल सुन रहे हो, सब मेरे भक्त हैं, मेरे एक संकेत पर विध्वंस मचा देंगे। विध्वंस, मैं चाहता तो तुझे कपका मार देता, लेकिन प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा करके अदालतों ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर मुझे भरोसा था, इसलिए यहां लाया तुझे। और जनता, वो तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। जज साहब की परमिशन से इस अदालत की पूरी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। जब आवाम की मुठियां तनती हैं तो क्या होता है? देख देख जनता का जोर। तुम जैसे लोगों के अंत की शुरुआत हो चुकी है, यहीं पर नहीं, पूरे देश में।